चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। अ बॉल इज थ्रोन एट डिफरेंट एंगल्स विद द सेम स्पीड u फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इट हैज सेम रेंज इन बोथ द केसेस। ठीक है, रेंज सेम है तो इसका मतलब क्या है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है। तो रेंज तभी इक्वल होगी जब एक केस में थीटा की वैल्यू आप थीटा कंसिडर करो, दूसरे केस में 90 माइनस थीटा कंसिडर करोगे तभी हो सकता है। तो उस केस में अगर आप देखो, यानी पहले केस में हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया जा रहा है यू वेलोसिटी से, दूसरे केस में हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बनाते हुए यू वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है, करेक्ट है। तो एक केस में थीटा, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी होता है। तो अगर एक केस में थीटा है दूसरे केस में 90 माइनस थीटा है, तो वाई वन इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी होगा, और वाई टू दूसरे केस में वाई टू इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन टू जी होगा। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, y2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दोनों को ऐड कर दो, y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा, u स्क्वायर by 2g कॉमन हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी हो गई, u स्क्वायर by 2g हो गई। u स्क्वायर by 2g कहाँ है, u स्क्वायर by 2g, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। ठीक है, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।